Dear students of class 6, today I am going to start your first chapter of geography. And as you can see, the heading of this chapter is Representation of Geographical Features, Globes and Maps. So basically, इस चैप्टर में हम लोग ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में पढ़ेंगे और धरती के ऊपर जो डिफरेंट लैंड फीचर्स होता है, पहाड़, नदी वगैरह, उसको मैप के ऊपर कैसे दिखाया जाता है. सबसे पहले देखो मैप क्या है. अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एज अ होल और पार्ट्स ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस टू स्केल. अर्थात मैप क्या है. मैप धरती का या धरती का कोई हिस्से को जब हम किसी कागज़ के ऊपर, फ्लैट कागज़ के ऊपर उसको हम लोग बनाते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मैप. ठीक है. अब देखो ग्लोब क्या है. अर्थ, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि अर्थ इज स्फियरिकल, मतलब अर्थ गोल है इन शेप. इसीलिए अगर हमें एग्जैक्टली अर्थ कैसा है, पूरी तरह से अर्थ का मैप या नक्शा दिखाना है, चूंकि अर्थ गोल है, तो सबसे बढ़िया तरीका है अर्थ को हम ग्लोब के जरिए दिखाए. तो ग्लोब क्या है. ग्लोब इज माउंटेड ऑन एन एक्सिस सो दैट इट कैन, देखो ये पिक्चर पहले देख लो, दिस इज ग्लोब, है कि नहीं, ये ग्लोब है. अ ग्लोब इज अ थ्री डायमेंशनल मॉडल. तो ग्लोब क्या है. ग्लोब अर्थ का मॉडल है. तो अर्थ जैसा गोल होता है, ग्लोब भी वैसा ही गोल होता है. तो अर्थ का शेप को एग्जैक्टली ग्लोब दिखा सकता है. तो अगर हम ग्लोब को देखेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि कहां लैंड है, कहां ओशंस है, कहां कॉन्टिनेंट्स है वगैरह वगैरह. ग्लोब का जो एकदम टॉप पार्ट है, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और ग्लोब का जो एकदम साउथ पार्ट है, दिस इज कॉल्ड साउथ पोल. नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जुड़ता हुआ देर इज अ स्मॉल रॉड और पाइप इन साइड द ग्लोब, जिसके चारों तरफ ग्लोब को हम घुमा सकते हैं. तो ये जो रॉड नॉर्थ पोल से होते हुए ग्लोब के अंदर से साउथ पोल तक जाता है, ग्लोब के अंदर नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो रॉड जाता है, इस रॉड को एक्सिस कहा जाता है. ठीक है. अब देखो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीचों बीच से अर्थ को दो भाग में बांटते हुए एक लाइन बनाया गया है. ये लाइन एक्चुअली धरती के ऊपर ये लाइन ड्रॉ किया गया नहीं है, तो ये लाइन हमारी काल्पनिक और इमेजिनरी लाइन है. तो ये इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है और धरती को दो भाग में, ऊपर वाला भाग को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा वाला भाग को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर. तो अर्थ को ये दो हेमिस्फीयर में बांटता है. इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं. दिस लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर. ओके. नाउ सी ग्लोब जो है, चूंकि अर्थ, जैसे कि हमने बोला कि अर्थ इज राउंड, तो अर्थ का मैप हम एक फ्लैट कागज के ऊपर भी बना सकते हैं. वी कैन मेक अ मैप ऑफ द अर्थ. लेकिन बिकॉज द अर्थ इज स्फेरिकल, दैट इज राउंड, और ग्लोब भी राउंड है, तो ग्लोब के जरिए अर्थ का रिप्रेजेंटेशन मैप के तुलना में, मैप के कंपैरिजन में अर्थ का रिप्रेजेंटेशन, यह अर्थ कैसा है, कहां पर ओशंस है, कहां पर लैंड है, यह हम लोग ज्यादा बेहतर हम ग्लोब के जरिए कर सकते हैं. तो ग्लोब जो है, हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट ग्लोब इज एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ को सबसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने वाला ग्लोब है. तो ग्लोब के ऊपर देखो देयर आर सम लाइंस दैट वी इमेजिन. हम धरती के ऊपर वी इमेजिन सम लाइंस. देखो ये लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल इमेजिन करते हैं, इस तरह से जो लाइंस इमेजिन करते हैं, इन लाइंस को कहते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल ड्रॉ किया गया जो लाइंस दिखाई देते, जो हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्लोब के ऊपर, इन लाइंस को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स क्या करते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल ड्रॉ किया जाता है. और ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के साथ पैरेलल जो लाइंस है, जो
वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है इन लाइंस को, दीज लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तो अक्सर देखो जब ग्लोब बनाया जाता है, ग्लोब के ऊपर हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के लाइन हम ड्रॉ करते हैं। लेकिन एक चीज देखो, चूंकि ग्लोब छोटा होता है और उसके ऊपर हम सारा का सारा अर्थ का नक्शा, सारे ओशंस और लैंड बनाते हैं, इसीलिए ग्लोब के ऊपर देखो कहां पे कौन सा पहाड़ है, कहां पे कौन सा प्लेन लैंड है, ये जो फीचर्स है, कहां पे रेगिस्तान है, कहां पे नदियां हैं, ये ग्लोब के ऊपर ये अच्छी तरह से दिखाया नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत दिखाया जा सकता है लेकिन बहुत अच्छी तरह से दिखाया नहीं जा सकता, इसीलिए हम मैप ड्रॉ करते हैं। क्योंकि मैप क्या होता है, मैप में हम पूरा अर्थ का मैप भी बना सकते हैं या अर्थ का कोई छोटे हिस्से का मैप भी बना सकते हैं। तो जब हम अर्थ का कोई छोटे हिस्से का मैप बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम उसके ऊपर कहां पर पहाड़ है, कहां पर रेगिस्तान है, डेजर्ट है, कहां पर रिवर है, इसको और अच्छी तरह से दिखा पाएंगे। तो मैप क्या है, मैप रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड एज अ होल और अ पार्ट ऑफ इट, यूजुअली ऑन अ फ्लैट सर्फेस। तो मैप क्या करता है, या तो मैप के ऊपर हम लोग सारा दुनिया बना दे, कोई कोई मैप होता है जिसमें सारा दुनिया का, सारा दुनिया कहां पे कॉन्टिनेंट है, कहां पे डेजर्ट, यू नो, ओशंस है, ये सब हम बना सकते हैं, या धरती के कुछ एक पर्टिकुलर जगह का भी, एक छोटे जगह का भी मैप बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, वी कैन हैव अ वर्ल्ड मैप, इफ यू वॉन्ट वी कैन हैव अ मैप ऑफ इंडिया, इफ यू वॉन्ट हम इंडिया के कोई पर्टिकुलर स्टेट का मैप बना सकते हैं, इंडिया का कोई पर्टिकुलर शहर का मैप बना सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो लोग ज्योग्राफी को लेकर पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो, अगर हम एक फ्लैट कागज के ऊपर मैप बनाएंगे और फिर उसको गोल ग्लोब के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उसी तरह से जो गोल अर्थ है उसका मैप जब हम प्लेन कागज में बनाएंगे तो वो भी डिफिकल्ट होता है कि नहीं। देयरफॉर मैप जो है, जैसे ग्लोब गोल है तो वो अर्थ का कहां पर क्या है उसको बहुत ज्यादा एक्यूरेटली या सही तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है। मैप के जरिए हम लोग धरती का एक नक्शा तो समझ सकते हैं लेकिन ग्लोब जैसा उतनी अच्छी तरह से ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। एनीवे, अब देखो स्केच क्या है, व्हाट इज अ स्केच। स्केच इज जब हम लोग किसी जगह का रफली, किसी जगह का जो मैप है, मतलब कहां पे पोस्ट, मतलब कहां पे क्या है, इसका एक रफली हम लोग एक मैप बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्केच। दिस इज कॉल्ड अ स्केच। व्हाट इज अ प्लान। देखो प्लान होता है जब कोई छोटा एरिया का नक्शा बनाना होता है। मान लो तुम्हारा स्कूल में कहां पे कमरा कहां है, या कोई मॉल घूमने गए हो, वो मॉल का नक्शा कि मॉल में कौन सा दुकान कहां है, फूड कोर्ट कहां है, बच्चों का खेल के एरिया कहां है, ये जो एक छोटी जगह का नक्शा बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड अ प्लान। तो देखो हम लोग चाहे तो हम अपना क्लासरूम का प्लान बना सकते हैं कि क्लासरूम का फोटो ड्रॉ किया, उसके ऊपर कहां पे कौन से बेंच है, टीचर का डेस्क कहां है, ये सब हम लोग बना सकते हैं। स्कूल कंपाउंड का मैप प्लान बना सकते हो कि बिल्डिंग कहां है, गार्डन कहां है, पेड़ कहां है। सो दीज आर कॉल्ड प्लान्स। तो यहां पर देखो मैप, प्लान और स्केच का कुछ अंतर बोला गया है। मैप एक बड़ा एरिया को दिखाता है, प्लान एक छोटा बिल्डिंग या छोटा इलाके का होता है, और स्केच क्या होता है, स्केच भी एक छोटी बिल्डिंग या छोटी एरिया का होता है लेकिन इसको हम लोग रफली हाथ से बनाते हैं। मैप्स को हम लोग मैप बनाने के लिए स्केल फॉलो करते हैं, प्लान में भी स्केल हो सकता है लेकिन स्केच में स्केल नहीं होता। मैप्स हर एक डिटेल को डिपिक्ट या दिखा नहीं सकता लेकिन प्लान चूंकि एक छोटी एरिया का होता है तो प्लान उस छोटी एरिया का डिटेल्स ज्यादा दिखा सकता है। स्केच भी, चूंकि स्केच किसी तरह से हाथ से बना लेते हैं इसीलिए स्केच भी बहुत ज्यादा डिटेल दिखा नहीं सकते। मैप तैयार करने में बहुत समय लगता है, प्लान तैयार करने में मैप जैसा समय नहीं लगता है लेकिन समय लगता है। लेकिन स्केच चूंकि हम लोग हाथ से रफली बना देते हैं तो स्केच हम बहुत आसानी से कम समय के अंदर हम लोग स्केच बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ही,
अब मैप का इंपॉर्टेंस क्या है, मैप किस तरह से अहमियत रखता है, मैप हैंडल करना इजी है। देखो ग्लोब लेकर हमेशा एक जगह से दूसरा जगह जाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन चूंकि मैप कागज पे बनाया जाता है, हम इजीली उसको फोल्ड करके या रोल करके हम एक जगह से दूसरा जगह लेकर जा सकते हैं। तो जो लोग यात्री है या जहाज में जाते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपनी दिशा तय करने के लिए मैप ही यूज करते हैं। तो मैप क्या कर सकता है, एक छोटा एरिया के ऊपर, मैप देखो एक पूरा देश का हो सकता है, पूरा दुनिया का हो सकता है, उससे भी छोटा एरिया का हो सकता है। तो चूंकि मैप एक छोटी एरिया के ऊपर बनाया जा सकता है, तो मैप में हम ज्यादा डिटेल, कोई भी जगह के बारे में हम ज्यादा डिटेल मैप में हम दिखा सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए, जो लोग प्लान, सड़क का प्लानिंग या टाउन प्लानिंग करते हैं, उनके लिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप के अंदर देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। कुछ मैप होते हैं जिसको हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, मतलब यहां पे हर कंट्री का बाउंड्री, कंट्री के अंदर स्टेट का बाउंड्री, ये सब दिखाई देता है। फिजिकल फीचर्स के ऊपर हो सकता है, मतलब ऐसी मैप्स दिखाता है कहां पे पहाड़ है, कहां पे रेगिस्तान है, ये सब दिखाता है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर मैप बनाया जा सकता है। देखो मैप बनाने की जो कला है उसे कहते हैं कार्टोग्राफी, और मैप जो बनाता है दे आर कॉल्ड कार्टोग्राफर। और बहुत सारे मैप्स एक साथ लगाकर जो किताब छपाया जाता है दे आर कॉल्ड एटलस। सो मैप्स, बुक्स ऑफ मैप्स आर कॉल्ड एटलस। अब देखो कोई भी मैप अगर हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन सी इन अ मैप। नंबर वन इज टाइटल। टाइटल क्या है, एकदम मैप के ऊपर लिखा रहेगा कि व्हाट टाइप ऑफ मैप इज इट। अगर कोई कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, कंट्री का बॉर्डर्स, कंट्री के अंदर जो स्टेट्स है उसके बॉर्डर्स, कहां कहां कौन सी शहर है, ये सब चीज जो मैप दिखाता है दैट इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल मैप। कहां पे माउंटेन्स है, कहां पे डेजर्ट है, कहां पे रिवर्स है, ये सब जो मैप दिखाता है दे आर कॉल्ड फिजिकल मैप। इस तरह से और भी अलग अलग टॉपिक पर मैप बनाया जा सकता है। नाउ व्हाट इज अ स्केल। स्केल है, एक चीज देखो, मान लो ये वाला तुम मैप देख रहे हो, सपोज यू आर लुकिंग एट दिस मैप, लेट मी टेक आउट अ मैप, सपोज यू आर लुकिंग, मान लो तुम इस मैप को देख रहे हो, तो ये तो इंडिया को एक छोटा कागज के ऊपर इंडिया को बनाया गया है। अब मान लो तुम्हें पता करना है, मान लो हम यहां से एक लाइन यहां तक खींचते हैं और तुमको एग्जैक्टली पता करना है कि भाई इंडिया का इस जगह से इस जगह का दूरी क्या है, तो कैसे समझोगे, समझा जा सकता है। देखो मैप में स्केल होता है, स्केल मतलब क्या है, हर मैप में लिखा होता है कोई ना कोई स्केल। मान लो यहां पर लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, मान लो ऐसा लिखा है। तो ये जो स्केल है इसके अंदर से, इसके सहारे हम मैप का दूरी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्केल से यहां से यहां मापेंगे, मान लो ये आ गया, स्केल से मापने के बाद ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, तो 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 3000 किलोमीटर। तो हर एक मैप का स्केल होता है, जिस स्केल के सहारे मैप का जो दूरी है, मैप का वो एक्चुअली जो एरिया का मैप दिया गया है, वो मैप का उस मैप के अंदर दो जगहों का दूरी और ये सब चीजें हम लोग समझ सकते हैं। तो मैप का सबसे पहला, कोई भी मैप हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहला जो मैप में चीज दिखाई देगा वो क्या है, दैट इज द टाइटल। टाइटल माने किस टॉपिक के ऊपर मैप है वो बताया जाएगा। उसके बाद आता है स्केल। स्केल मैंने समझा दिया, स्केल क्या है, तो नॉर्मली 1:22,000, 22 lakhs, इस तरह से स्केल दिया जाता है। इसके अलावा जस्ट वन मिनट, ओके, ये हम थोड़ा शिफ्ट कर गए हैं, उल्टा पुल्टा हो गया है, जस्ट गिव मी मिनट, एक मिनट टाइम दो। अच्छा एक काम करते हैं, ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं, आई विल कंटिन्यू विद दिस वीडियो इन द विद दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।